बिहार में दो सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और प्रचार प्रसार भी अब थम गया है, लेकिन राजद के अंदर जो घमासान है वो अभी जारी है। तेज प्रताप यादव चुनाव प्रचार के दरमियान, यानी जब लिस्ट घोषित की गई थी स्टार प्रचारक की, उस समय भी वो नाराज हुए थे और लालू प्रसाद यादव के आने के बाद लगा कि उनकी नाराजगी खत्म हो गई है। एक बार फिर से तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह पर हमला बोला था। आज तेजस्वी यादव पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जब इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो वो सीधे तौर पे बचते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले आप वीडियो देखिए क्या कुछ कर रहे हैं तेजस्वी यादव। चुनाव से जुड़ा हुआ सवाल है, आप लोग प्रचार में गए, तेज प्रताप को नहीं ले गए जिससे वो नाराज चल रहे हैं। चुनाव प्रचार में तेज प्रताप को नहीं ले गए, वो नाराज चल रहे हैं। सवाल जो है क्या आप लोग अपनी पार्टी में नहीं मानते हैं उन्हें? और चुनाव तो देखा आपने किस तरीके से तेजस्वी यादव ने उन सभी सवालों को टाल दिया है और कहा है कि अभी सिर्फ चुनाव संबंधित बातों पर ही चर्चा की जाएगी, उसी का जवाब हम दे पाएंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव जिस तरीके से लगातार पार्टी के अंदर पार्टी के नेताओं पर हमलावर हैं और आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि तेज प्रताप यादव का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने ट्विटर और फेसबुक के जरिए जगदानंद सिंह पर हमला बोला था और कहा था कि जगदानंद सिंह नहीं ले जाना चाहते हैं, पिताजी ले जाना चाहते हैं तो चुनाव प्रचार में, और उनकी वजह से ही हम चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हैं।